डॉक्टर इला प्रसन्ना ने लिखा है, प्रणाम आनंद श्री जी, क्या इन प्लेक्सेस का साइकोसोमेटिक साइकिक डिजीजेस से कोई रिलेशन है? क्या इन बिंदुओं को समझकर चिकित्सा की जा सकती है या प्रॉब्लम डायग्नोसिस में मदद मिल सकती है? बिल्कुल मदद तो मिल ही सकती है, ये ऑब्जर्वेशन साइकोसोमेटिक इम्पल्सेस का सहायता कर सकता है। व्यक्ति को समझा जा सकता है कि क्या समस्या है, शरीर के किन बिंदुओं पर उसको किस तरह की संवेदनाएं और जीवंतताएं महसूस हो रही हैं, तो उस हिसाब से इसको ऐसे नहीं कि वहाँ पर कोई पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाकर फिट कर देना है, उसको अवेयर होकर समझना है और उसको समझने का मौका देना है तो समझा जा सकता है। अब जैसे अगर इसकी सोलर प्लेक्सस की बात करें मणिपुर की, कोई व्यक्ति ज्ञान से ऑब्सेस्ड हो गया है या अपने को बड़ा ज्ञानी मान बैठा है, तो उसको क्या समस्या होगी? उसको जो भी एब्डोमिनल रीजन की है, इंटेस्टाइनल रीजन की तमाम समस्याएं हो सकती हैं, डिसेंट्री हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं, पैंक्रियाटिक तमाम प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ज्ञान से ऑब्सेशन पाल लिया। तो अगर उसको हम देखते हैं कि उसके इस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसको काम कहाँ करना होगा? काम उसको करना होगा अपने इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों पे। वो अपनी सूचनाओं को कितना महत्वपूर्ण समझता है, कितना गैर महत्वपूर्ण समझता है, क्या वो अपने विचारों के प्रति प्लेफुल है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों के प्रति प्लेफुल नहीं है तो वो कॉन्स्टिपेटेड हो ही जाएगा या फिर वो IBS का शिकार हो जाएगा या वो किसी और चीज़ का शिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब तुम अपने विचारों के प्रति प्लेफुल हो जाते हो तो तुम उनको होल्ड नहीं करते। तुम्हारी धारणा है, तुमने कहा देखो भाई मुझे ऐसा लगता है, किसी ने कहा नहीं ऐसा कैसे, कोई बात नहीं, हो सकता। जब तुमको ये लगता है कि तुम्हारा विचार सही भी हो सकता है, तुम्हारा विचार गलत भी हो सकता है, कोई उस पर तुम्हारा पजेसिवनेस नहीं है, तो तुम्हारे तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह से और जो चक्र हैं उनकी आप समस्याएं देखें, उनके जो संबंधित गुण हैं उनको और उन बिंदुओं पर ध्यान ले जाकर वो जो साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स और रिलेशन है उसको समझ कर बहुत कुछ किया जा सकता है। वो किया भी जाता है, उसकी अपनी प्रासंगिकता है। बस उसमें हमेशा वही मानकर चलें कि खाना और खाने का जो शिट पार्ट है, अवशिष्ट है, दोनों शामिल होते हैं, लेकिन लोग उसका जो अवशिष्ट हिस्सा है वो भी उसी में मिलाकर साथ में ही रख लेते हैं। तो उसको तुम्हें छानबीन कर निकाल लेना है उन सारी चीज़ों को, तो ये सहायक तो होंगी। और कभी भी कोई जगह जहाँ पर शरीर की समस्या है तो देखना पड़ेगा कि ये समस्या क्या है। अब जैसे एक मणिपुर के सोलर प्लेक्सस से मुझे बात याद आ गई, जब लोग हवाओं में हर बात पर यकीन करते हैं, इंटेलेक्ट क्या है, बात का अन्वेषण करना, समझना, तो तुम्हारा मणिपुर का डायमेंशन स्ट्रांग होगा और उससे रिलेटेड जो आर्गन होंगे वो भी स्ट्रांग होंगे। अब किसी से आकर किसी ने कहा अरे तुम्हारा कान कौआ ले गया, तो कौए के पीछे भाग लेते हैं, कहाँ कौआ, कौआ कान ले गया, ऐसे कैसे कौआ कान ले जाएगा मेरा। वो पहले अपना कान नहीं देखते कि कान उनका है अपनी जगह पर कि नहीं, अपना कान नहीं देखा कि हाथ लगाकर देख लेते, कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे भाग लिए। तो ऐसे लोगों का जो है ये सोलर प्लेक्सस या मणिपुर सेंटर तो डिस्टर्ब हो जाना है। तो ऐसे लोग ही सीकर हो जाते हैं, कौए के पीछे भाग, तमाम जो आध्यात्मिक खोजी हैं वो अपना कान छूने के बजाय कौए के पीछे भाग रहे हैं, भागते भागते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये गॉसिपिंग को भी जन्म देता है, स्यूडो सर्च को जन्म देता है और तमाम तरह के जो स्यूडो बिहेवियर हैं उनको जन्म देता है। और ऑब्वियसली फिर इन सब चीज़ों को
प्रभावित भी करेगा। इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे गुरुओं का ये पेट का जो एरिया है वो बड़ा प्रभावित होता है। पहले के गुरुओं के तो पेट ही तगड़े होते थे, अगर गुरुओं का तोंदी ना निकली हो तो गुरु किस काम का, मतलब तगड़ा गुरु ही यही होता था जिसकी तोंद भी तगड़ी हो। खाने पीने में इतना रुचि ले जाते थे, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते थे। और भी गुरुओं को तमाम पेट रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं, तो वो एक अलग मसला है, क्योंकि वो ज्ञान को जब तक डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा ठीक से, उस अग्नि को जब तक शुद्ध नहीं बनाया जाएगा, तो तमाम वो समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन आपने मेडिकल ढंग से जो पूछा है उसका एक सिस्टम तो बेशक है, उसको समझा जा सकता है। Thank you.